देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 81 लाख के पार हो गया है। राहत की बात यह है कि इनमें से 74,30,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। संक्रमण के चलते अब तक 1,21,681 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी बीच हर दिन मिलने वाले कोरोना के नए केस के मामले में केरल टॉप पर पहुंच गया है, तो वहीं दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसों ने भी चिंता बढ़ा दी है। कुछ राज्यों में भले ही कोरोना के मामले में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल एक्टिव केस में अब भी गिरावट जारी है। गुरुवार को एक्टिव केस का आंकड़ा 6 लाख से कम हो गया। अब देश में 5,82,160 मरीजों का इलाज चल रहा है। इससे पहले 5 अगस्त को देश में 5,94,000 एक्टिव केस थे। जम्मू कश्मीर सरकार ने माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए नियम में बदलाव किया है। अब हर दिन दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। 7,000 की बजाय 15,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। नया आदेश 1 नवंबर से लागू होगा। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,57,00,000 से ज्यादा हो गया है। वहीं 3,31,00,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं। अब तक 11,90,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में 92,39,000 से ज्यादा संक्रमित हैं, तो वहीं 2,34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में गुरुवार रात को सरकार ने दूसरी बार लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन शुरू होने से कुछ घंटे पहले पेरिस में 700 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। शहर में शाम 6 बजे से 7 बजे तक ट्रैफिक काफी ज्यादा था। सरकार ने कहा कि शहर छोड़ने और लौटने वालों की भीड़ वीकेंड में काफी ज्यादा होती है। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद फ्रांस में 1 दिसंबर तक लॉकडाउन लगाया गया है।